सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो और दुआएं सबसे पहले। मेरी दुआ है कि आप, आपके घर वाले, आपके दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार सदा सलामत रहे और हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन। तो चलो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। माजी के अजीम खिलाड़ी और कप्तान सर वेवन रिचर्ड ने कहा है कि सरफराज की क्यादत में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है। कई बड़े बड़े खिलाड़ी गलती कर जाते हैं, कप्तान की नियत नेक होनी चाहिए। इमरान खान मेरे दोस्त थे, उन्होंने जिस तरह वर्ल्ड कप जीता कोई सोच नहीं सकता। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ICC चैंपियन ट्रॉफी जीत सकता है तो इस साल पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। उन्होंने कहा है कि मैं 4 साल से कोटे के लीडर के साथ काम कर रहा हूँ। सरफराज अहमद बिला शुबा जहीन और वर्ल्ड क्लास कप्तान है, यही किसी अच्छे और जेरे कप्तान की निशानी है कि वो गलतियों से सीखे। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद के पास कई वर्ल्ड क्लास वनडे खिलाड़ी हो सकते हैं कि इमरान खान के बाद सरफराज अहमद वर्ल्ड कप जीतने की ख्वाब को सच कर दे। साबिक वेस्ट इंडियन कप्तान ने कहा है कि इमरान खान वसीम अकरम अपने जून के खिलाड़ी है, इनका सरफराज अहमद से मुआवजना करना दुरुस्त नहीं है। इमरान खान और वसीम अकरम के साथ मैंने बहुत क्रिकेट खेली, इनके पास मुख्तलिफ क्वालिटी के खिलाड़ी थे। सरफराज अहमद के पास भी कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद है जिसके बिना पर पाकिस्तान वर्ल्ड जीतने की भरपूर सलाहियत रखता है। सरफराज अहमद की कायदाना सलाहियतों के बारे में सर वेवन रिचर्ड ने कहा कि ग्राउंड में वो कई बार गुस्से में दिखाई देता है और कई बार चीफ पुकार करता है, ताहम यही इसका कुदरती अंदाज है। वेवन रिचर्ड ने कहा कि ICC चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह इसने गिरी हुई टीम को उठाया और भारत से ग्रुप मैच हारने के बावजूद उसे फाइनल में शिकस्त दी, यही एक अच्छे और काबिल कप्तान की निशानी है। उन्होंने कहा है कि मैंने क्लाइवर्ड में क्रिकेट खेली, बड़ा कप्तान वही है जिसका साथी ड्रेसिंग रूम में एहतराम करे। सरफराज अहमद हर साथी खिलाड़ियों से मशवरे करते हैं, मुझे इनकी कप्तानी में कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा है कि कई बार बड़े बड़े खिलाड़ी गलती कर जाते हैं, ताहम कप्तान की नियत नेक होनी चाहिए। वेवन रिचर्ड ने कहा कि इमरान खान मेरे दोस्त थे, उन्होंने जिस तरह वर्ल्ड कप जीता कोई सोच भी नहीं सकता। जब 1987 में पाकिस्तान फेवरेट था, पाकिस्तान होम ग्राउंड पर सेमीफाइनल हार गया, लेकिन जब किसी को यकीन नहीं था तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। तो दोस्तों ये थी सर वेवन रिचर्ड के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी जिस तरह उन्होंने सरफराज अहमद की कप्तानी पर एतमाद का इजहार किया। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए। मेरी दुआ है कि मेरी, आपकी और हम सब की हर जायज मुराद पूरी हो। मेरी न्यू वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह ही हाफिज और निगहबान हो। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया।